हमेशा जब मुनव्वर ने कहा है ना लाला टनल तक छोड़ के आऊंगा, सबने तालियां बजाई है। क्या रिश्ता है, मतलब जब भी बोला सब... That womanizer मैंने सुना है, it was bothering me a lot because your fan, they call themselves your fan, जो आयशा पर अटैक कर रहे हैं। दोस्तों बिग बॉस 17 की ट्रॉफी मुनव्वर जीत चुके हैं, ट्रॉफी डोंगरी जा चुकी है, जबकि रनर अप अभिषेक कुमार रहे। बिग बॉस हाउस से बाहर आने के बाद फाइनलिस्ट के इंटरव्यूज हो रहे हैं। अब मुनव्वर ने भी अपने इंटरव्यूज दिए हैं, जिसमें उनसे पर्सनल और बिग बॉस को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। सबसे पहले मुनव्वर से पूछा कि जिसको भी आपने बोला कि टनल तक छोड़ के आऊंगा वो एविक्ट जरूर हुआ है, तो इसका राज क्या है? तो इस पर मुनव्वर ने ये कहा, वो छोड़ के आया है, कुछ है मैजिक इस चीज का? कुछ मैजिक नहीं था, बट ऐसा था कि कोई पेशेंस लेवल अपना है ज्यादा, तो कहीं ना कहीं हम लेट गो चीजों को करते थे, ये करते थे, बट जब जब मुझे किसी ने उस लेवल के ऊपर पहुंचा है कि अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे, करेक्ट, और हमेशा यहाँ वहाँ लोगों ने कोई ऐसी गंदी चीजें बोली है या कोई भी चीजें बोली है, मैं हमेशा सोचता था दैट बेस्ट रिवेंज यही है कि कोई भी लाइन में तू मेरे पीछे खड़ा रहे, करेक्ट। तो अगर मुझे इस गेम में जीतना और कॉम्पिटिशन है तू, तो एक मूवमेंट आएगा जब I'll think now you are my target. Correct. मुझे अभी तेरे को हटाना है। जी। तो वो मूवमेंट आता था और मैं बोलता था तेरे को टनल तक छोड़ के आऊंगा और वो काम करता था। इसके बाद मुनव्वर से पूछा गया कि आपसे हमेशा अभिषेक की शिकायत रही है कि आपने उनका स्टैंड नहीं लिया, तो इस पर मुनव्वर ने ये कहा, मैं हमेशा अभिषेक को बोलता था कि कभी तो मार खा गया, कभी तो पिट गया पड़ोसी से, जाके तेरा स्टैंड ले, तू कुछ छोड़ता नहीं, तो कुछ बाकी रखता ही नहीं है। तो अभिषेक को जैसा वो उसका बिहेवियर रहता था, उसको सच में ना मुझे ना अभिषेक को कभी भी किसी के स्टैंड की जरूरत थी, बट अभिषेक दोस्ती में वो एक्सपेक्ट करता था कि तू मेरे लिए स्टैंड, उसको जरूरत बिल्कुल नहीं थी, वो केपेबल था अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए, बट वो मुझसे वो एक्सपेक्ट करता था कि वो स्टैंड ले, बट मैं जानता हूँ मेरा जितना चलता है, मैं जानता हूँ कि उसके लिए स्टैंड ना ही लेना उसके लिए वर्क करता था। एंड आई एम श्योर कि जब उसने चमाट मारा उसके एक दिन पहले, चिंटू और ईशा जब उसको पोक कर रहे थे, हाँ। और आयशा ने मेरे को बोला है ज्यादा हो रहा है, तो मैंने आयशा को बोला था इट्स अ गुड फॉर अभिषेक। इसके बाद दूसरे इंटरव्यू में मुनव्वर से पूछा गया कि आपसे कॉन्फ्रेंस में जिसने भी तीखे सवाल किए या आयशा ने जब आपके खिलाफ बोला, तो तुम्हारे फैंस ने उन पर पर्सनल अटैक किया, तो क्या आप भी अपने फैंस के जैसे ही हो? तो इस पर मुनव्वर ने ये कहा, तो अपने फॉलोअर्स को आप क्या कह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि आप ऐसे हो इसलिए फॉलोअर्स ऐसे। अभी दो राउंड पहले ही वो लेडीज मेरे साथ बैठे थे यहाँ पे, जिनसे जिनका एक बहुत तीखा क्वेश्चन आया था, मैंने उनको बोला भी कि अगर मेरा आंसर आपको सख्त लगा हो तो मैं सॉरी बोलता हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं 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 मेरा सवाल वो था, तो उन्होंने ही सामने से वो चीज़ बोली। तो जो भी फैंस इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं उनको बोलना चाहूँगा कि दे आर डूइंग दैट जॉब और इनका काम कर रहे हो, और जितने अगर कड़क सवाल है मतलब समझो ये अपना काम और अच्छे से कर रहे हैं, मेरा काम जवाब देना है, और बहुत सारे एक्शन से इंसान जवाब देता है, तो अभी सिर्फ मुंह से दे रहा हूँ, बट एक टाइम आएगा जब एक्शन से जवाब दूंगा, तो ये जो तीखे क्वेश्चंस है वो प्यारे क्वेश्चंस में बदल जाएंगे। इसके बाद मुनव्वर ने अपने वुमेनाइजर वाले टैग पर बात की, जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, मैंने बहुत सारी फीमेल एक्टर्स के साथ को स्टार के साथ प्रोजेक्ट्स किए, वर्क किया है, एंड दे नो हाउ कंफर्टेबल आई मेक देम फील और हाउ रिस्पेक्टेबल आई एम टुवर्ड्स देम, तो दे नो ऑल दिस, तो इस तरह के जब टैग सुनता ना तो मेरे को तकलीफ तो होती है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर कोई इंसान है, अगर ज़िंदगी किसी भी तरह का हिस्सा है, मैं उस इंसान को उतना डिसरिस्पेक्ट ना करूं। और रही बात जो दो नाम आपने दिए बाहर के, तो दोनों नाम की टूवर्ड्स आई एम सॉरी, और मैं वो फील किया कि मैं सॉरी हूँ उन चीज़ों के लिए जो आपने मेरे कन्फ्यूजन की वजह से आपका हर्ट हुआ है, तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ। एंड आई डोंट थिंक कि अगर मैं सॉरी हूं तो वो मेरे लहजे में ना दिखे, ऐसा हो सकता है, तो मैं बस दिखता है। दोस्तों मुनव्वर की इस जीत से आप खुश हैं या नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।